Good morning students, welcome to SGTV school. Student, as we were doing our chapter number 12 algebraic expression in the previous video, we did exercise 12.1 and sum number 1 of 12.2. in today's video we will do sum number 2. In sum number 2 student, hame kya karna, additions. Hame kuch algebraic expressions di hui hai, kuch terms di hui hai, unhe add karna. Aapko like this kuch statements di hongi, 3mn, 5mn, 8mn, 4mn. आपने क्या करना है, जस्ट कोमा के प्लेस पे सिर्फ प्लस का साइन ऐड करना है एंड रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आपने एज इट इज लिखनी है. 3mn प्लस, अगर आपको यहाँ लग रहा है माइनस तो स्टेटमेंट को ब्रैकेट में, देन कोमा की जगह प्लस 8mn, देन कोमा की जगह प्लस एंड देन स्टेटमेंट अगर माइनस में है तो ब्रैकेट में, अगर स्टेटमेंट माइनस में मिलती है तो ब्रैकेट में, देन सम साइन सॉल्व करने हैं. प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस. आप इसे कैसे कर सकते हैं, लाइक दिस, ये देखिए, प्लस माइनस माइनस, देन प्लस माइनस माइनस. अब देन हम करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, फाइव में से थ्री गया टू, बट माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन. प्लस माइनस माइनस, एट में से फोर गया फोर, बट प्लस का नंबर बड़ा है तो फोर. देन अगेन प्लस माइनस माइनस एंड देन फोर में से टू. ये याद रखना स्टूडेंट, जब ये वेरिएबल सेम होंगे तो ये माइनस होगा, अदरवाइज नहीं होगा. एम एन एम एन सेम थे तो ये माइनस हुआ, अदरवाइज ये माइनस नहीं होता. नेक्स्ट स्टेटमेंट, टी माइनस एट जेड कोमा 3tz माइनस जेड कोमा जेड माइनस टी, मतलब ये एक पूरी स्टेटमेंट है. तो आप ये पूरी स्टेटमेंट राइट करेंगे, देन आप कोमा के प्लेस पे ऐड करेंगे ऐड का साइन, फिर ये पूरी स्टेटमेंट, देन कोमा के प्लेस पे ऐड एंड देन स्टेटमेंट. फिर आप क्या करेंगे, कंबाइनिंग लाइक टर्म, जो सेम टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, लाइक दिस. टी टी वाली स्टेटमेंट्स को आप इकट्ठा ले आइए, टी, देन यहाँ पे भी टी है, टी ले आए, देन माइनस एट जेड प्लस 3tz माइनस जेड प्लस जेड, मतलब सेम वेरिएबल भी टर्म इकट्ठी कर दी. टी से टी कट प्लस माइनस कट, जेड से जेड कट प्लस माइनस कट, और माइनस एट जेड में से थ्री में कट होगा तो माइनस फाइव टी जेड. मतलब कट का मतलब क्या होता है, देखो ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का, टी में से टी जाएगा तो भी जीरो हो जाएगा, और अगर एक अपोजिट साइंस के सेम वेरिएबल हो तो आप उन्हें कट भी कर सकते हो. तो इस तरीके से आपका सम नंबर टू हो जाएगा, थ्री भी हो जाएगा. आप और भी देखना चाहें सम नंबर फोर, आप देख सकते हैं लाइक दिस. देखिए अब इसमें बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आने लग गई हैं, 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13. आप इसे एज इट इज़ राइट करेंगे, कोमा के प्लेस पे प्लस एंड देन पूरी स्टेटमेंट राइट कर देंगे. कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, जो लाइक लाइक टर्म्स हैं सेम है, उनको इकट्ठा कर लेंगे. 14x माइनस 7x साइन के साथ उठाएंगे, देखो यहाँ पे 14 प्लस का है, ये 7 माइनस का है तो माइनस. देन y वाली स्टेटमेंट्स, देन एक्स वाई वाली, सारी स्टेटमेंट्स राइट कर लेंगे. फिर सेम वेरिएबल वाली स्टेटमेंट को ही सेम वेरिएबल के साथ सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं करेंगे. जैसे देखो ऐसा नहीं है कि आप x को y से सॉल्व कर सकते हो, नहीं, y को y से सॉल्व करेंगे, x को x से ही सॉल्व करेंगे. इस तरीके से आपकी ये स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो केयरफुली एंड डू दिस सम इन योर FNB. टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.